रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज क्लास टू। आई एम मिस नौशाबा, योर एसएसटी टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन, आवर कंट्री। नेम आवर कंट्री, लेसन नंबर 12, पेज नंबर 41 to 45। सेक्शन ऑफ द लेसन। In this lesson, our country, we learn about the neighbors' countries, provinces, landforms, crops, mountains, rivers, and important places of our country, Pakistan. Contents of the lesson will be discussed. Your book, page number 41. Pakistan is in the continent of Asia. पाकिस्तान बड़े आज़म एशिया में है। कॉन्टिनेंट मीन अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड। जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहलाता है कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान हैज मैनी नेबर्स। पाकिस्तान के बहुत से हमसाए हैं। चाइना इज टू आर नॉर्थ। चाइना हमारे शुमाल में है। इंडिया इज टू द ईस्ट। इंडिया मशरक में है। ईरान इज टू द साउथ वेस्ट, और ईरान साउथ वेस्ट में है। एंड अफगानिस्तान टू आर वेस्ट, और अफगानिस्तान हमारे मगरिब में है। द अरेबियन सी इज एट द साउथ, और अरेबियन सी शुमाल में है। यू कैन सी इन दिस मैप दैट चाइना इज इन आर नॉर्थ। चाइना हमारे नॉर्थ में है। देन इंडिया इज टू द ईस्ट। इंडिया ईस्ट में है। ईरान इज टू द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में देखिए, इसका बॉर्डर क्वेटा से टच होता है। देन और अफगानिस्तान इज आर वेस्ट, और अफगानिस्तान हमारे वेस्ट में है। और साउथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है मैप में? अरेबियन सी। साउथ में पाकिस्तान की क्या है? अरेबियन सी है। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान? चाइना, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज आर होमलैंड। पाकिस्तान इज आर होमलैंड। पाकिस्तान हमारा वतन है। इट हैज फोर प्रोविंसेस, इसके चार सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। कौन कौन से सूबे हैं पाकिस्तान के? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। देयर आर वैरिड लैंड फॉर्म्स इन पाकिस्तान। लैंड फॉर्मिंग फॉर्म्स ऑफ लैंड, डिफरेंट टाइप की लैंड जो है वो पाकिस्तान में है। सच एज डेजर्ट। डेजर्ट, डेजर्ट कैसा होता है? जहाँ पे रेत ही रेत होती है, वाटर नहीं होता, प्लांट्स नहीं होते। प्लेन्स, वैलीज, फॉरेस्ट एंड प्लेटूज, दीज आर द लैंड फॉर्म ऑफ द पाकिस्तान। इट हैज हाई माउंटेन, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। थिक फॉरेस्ट, घने जंगलात हैं। लेक, झीलें हैं। रिवर्स, दरिया हैं। एंड प्लेन्स और मैदान हैं। जी पाकिस्तान में और क्या क्या है? माउंटेन्स हैं, थिक फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं एंड प्लेन्स हैं। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। आर मेन क्रॉप्स आर, हमारी मेन फसलें कॉटन, कपास यानी वीट, गंदुम, राइस, चावल, मेज, दालें एंड शुगर केन और गन्ना। पाकिस्तान की मेन फसलें कौन, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? कॉटन, वीट, राइस, मेज एंड शुगर केन। फ्रूट्स ऑफ वेरिड काइंड ग्रो हेयर, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट यहाँ पे ग्रो होते हैं। लाइक एप्रीकॉट, सिट्रस फ्रूट, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स, मैंगोज, डेट्स एंड आलमंड्स। These are the foods which grow in Pakistan. We must take care of our country. हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। And keep it clean and green. और इसको साफ सुथरा और सरसों शादाब रखना चाहिए। Features of the landforms which are mountains, valleys, rivers and plains. On the rivers, दरियाओं पर, we have dams and bridges. हमारे पास dams और bridges हैं. In the cities, शहरों में, we have big and historical buildings. हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी और historical में तारीखी, तारीखी में जो बहुत पुराने जमाने की बनी हुई बिल्डिंग्स, लाइक कराची पोर्ट ट्रस्ट इन कराची एंड शाही फोर्ट इन लाहौर, जिनमें से कराची पोर्ट ट्रस्ट है।
जो कि कराची में है, और शाहिद फोर्ट जो कि लाहौर में है। वी हैव लॉन्ग हाईवेज, हमारे पास बहुत लॉन्ग लंबी हाईवेज हैं कनेक्टिंग, जो कि मिलाती हैं डिफरेंट सिटीज एंड विलेज, डिफरेंट सिटीज और विलेज को आपस में, लाइक आरसीटी हाईवे, सुपर हाईवे, ग्रैंड ट्रक रोड एंड मोटरवे। दीज आर द नेम्स ऑफ द हाईवे। नंबर वन इज आरसीटी हाईवे, सुपर हाईवे, ग्रैंड ट्रक रोड एंड मोटरवे। टू मेक वे थ्रू माउंटेन्स, माउंटेन पे ऐसे रास्ते बनाने के लिए, वी हैव रोड्स, हमारे पास रोड्स हैं, एंड पासेस और पासेस हैं, लाइक द खैबर पास इन पिशावर, जैसे कि खैबर पास जो है वो पिशावर में है। देयर आर ब्यूटीफुल मॉस्क एंड मोजनम्स इन, लाइक शाफेसल मॉस्क, बादशाही मॉस्क एंड कायस मसूलियाँ। आपने हमारे पास खूबसूरत मस्जिदें और मकबरे भी हैं, जैसे कि शाफेसल मॉस्क हो गई, बादशाही मॉस्क और कायद आजम का मकबरा। इज इट क्लियर? दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेज ऑफ आवर सिटी, आवर कंट्री, सॉरी। नंबर वन इज कायद मसूलियाँ, नंबर टू इज शाही फोर्ट, नंबर थ्री इज मोटरवे एंड नंबर फोर इज शाफेसल मॉस्क। This is the activity from the book. Write true or false. Our neighboring countries are. यहाँ पे कुछ countries given हैं, इनमें से जो countries हमारे neighboring हैं उनके सामने आप true write करेंगे, और जो neighboring countries नहीं है उनके सामने आप false write करेंगे। Number one is Afghanistan. Afghanistan is our neighboring country, so we write here P, true. Number two is Iran. Iran is our neighboring country, you will write here P. Then Sri Lanka is not our neighboring country, you will write here false. Then China is our neighboring country, you will write here true. Then India, you will write here true. America is not our neighboring country, so we write here false. England is not our neighboring country, so we write here false. France is not our neighboring country, so you write here false. Egypt is not our neighboring country, so we write here false. And Nepal is also not our neighboring country, so you will write here false. Understood this lesson? Thank you. Allah Hafiz.